हरिओम, नमो नमः। आप सभी का बीएचयू पाठशाला में स्वागत है। मैं हूं अभिषेक तिवारी। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम लोग तैयारी कर रहे थे क्वेश्चन की, ठीक है, तो उसी क्रम में आज फिर से हम लोग उपस्थित हुए हैं और अपनी तैयारी को हम लोग गति देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे लिखा है संस्कृत प्रश्नोत्तरी भाग तीन। ठीक है, क्या लिखा है? भाग तीन। ठीक है, ये तीसरा भाग है। इसके पहले आप दो भाग को देखे होंगे, तीसरे भाग की आज हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है इसका कि महाभाष्ये ऋग्वेदस्य कति शाखाः स्वीकृताः सन्ति। ठीक है, माने महाभाष्य में ऋग्वेद की कितनी शाखाओं को स्वीकारा है, कितनी शाखा के बारे में कहा गया है, किसमें? तो भैया महाभाष्य में। ठीक है, महाभाष्य में ऋग्वेद की कितनी शाखाएं, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसका जल्दी से जल्दी आप लोग उत्तर दीजिए। कितने हैं? सहस्त्र हैं, हजार हैं, कि सौ हैं, कि की शाखा है, कि नौ शाखा है, आपको ये बताना है। ठीक है, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपके लिए प्रश्न है। इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए। और इसी के साथ आपको एक और उत्तर भी देना है। क्या? ये तो पूछा है कि ऋग्वेद की, ठीक है, माने पतंजलि के अनुसार जो महाभाष्य है, यह महाभाष्य किसकी रचना है? तो महर्षि पतंजलि की रचना है। ठीक है ना, तो महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है और महाभाष्य के अनुसार महर्षि पतंजलि ने ऋग्वेद की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है, कितनी शाखाओं कहते हैं, बताते हैं, उसका जवाब देना है। प्रश्न ये है, इसका उत्तर भी आपको देना है। कमेंट में जल्दी से आप इसका उत्तर दीजिए। और इसी के साथ आपको ये भी बताना है कि यजुर्वेद, ठीक है ना, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है ना, अथर्ववेद, ठीक है, इन तीनों वेद के बारे में भी कितनी कितनी शाखाएं हैं, ये भी उत्तर आपको देना है। ठीक है, इसी प्रश्न के नीचे कमेंट में आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसके उत्तर के साथ इन तीनों का भी उत्तर दीजिए कि महर्षि पतंजलि ने यजुर्वेद की कितनी शाखाओं को माना है, सामवेद की कितनी शाखाओं को माना है और अथर्ववेद की कितनी शाखाओं के बारे में कहा है। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए। आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा आया है, दूसरा प्रश्न हम लोग के सामने है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं, कि स्कंद स्वामी का भाष्य किससे संबद्ध है। ठीक है, स्कंद स्वामी है, ये ऋग्वेद के भाष्यकार हैं, तो आपको बताना है इसमें कि स्कंद स्वामी का जो भाष्य है वो किस वेद से संबंधित है। ठीक है, तो ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, या सामवेद से, या अथर्ववेद से। ठीक है, अब मैंने तो पहले ही बता दिया कि स्कंद स्वामी ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, तो इसका उत्तर यही होगा, ऋग्वेद। ठीक है ना, क्या उत्तर होगा? ऋग्वेद। पूछ ले कि ये भी प्रश्न पूछता है कि ऋग्वेद के सबसे प्राचीनतम भाष्यकार कौन है। ठीक है, तो उसके नाम में भी स्कंद स्वामी का ही नाम आता है। ठीक है ना, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा और देखिएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न जो है वो तीसरा प्रश्न है। प्रश्न क्या है, पढ़िए, कि समानी व अकूति ही समाना हृदयानि वह, किस वेद का अंतिम मंत्र है। ठीक है, ये किस वेद का अंतिम मंत्र है, आपको बताना है। ठीक है, इसका उत्तर जल्दी से आप दीजिए कि समानी व अकूति ही समाना हृदयानि वह, ये किस वेद का अंतिम मंत्र है। ठीक है, आपको बताना है, सामवेद का है, यजुर्वेद का है, कृष्ण यजुर्वेद का है, अथवा ऋग्वेद का है। ठीक है, इसका उत्तर आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। समानी व अकूति समाना हृदयानि, ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऋग्वेद। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। ठीक है, ये ऋग्वेद का अंतिम मंत्र है। ठीक है, और ये भी पूछ ले कि ऋग्वेद का प्रथम मंत्र क्या है, तो आप सभी जानते होंगे ऋग्वेद का जो पहला सूक्त है वो है अग्नि सूक्त। ठीक है, और अग्नि सूक्त के ऋषि मधुच्छन्ना है, देवता अग्नि देवता है, और ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है वो अग्नि सूक्त का पहला मंत्र है, वो क्या है कि अग्निवीणे पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्युजम होतारम दधातमम। ठीक है, ये ऋग्वेद का पहला मंत्र है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि भैया ऋग्वेद का पहला मंत्र क्या है, तो आप जानिए कि अग्नि सूक्त का जो पहला मंत्र है वही ऋग्वेद का पहला मंत्र है, क्योंकि अग्नि सूक्त ही ऋग्वेद का पहला सूक्त है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। चौथे नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, चौथा नंबर क्वेश्चन आप सभी देख रहे होंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पौ पठ्यते ज्योतिषाम ऐनम चक्षुः निरुक्तम श्रोतम उच्यते। ठीक है, अत्र श्लोके केषां वर्णन प्राप्यते। ठीक है, किसका वर्णन, क्षम्यताम, लिखा है कि अत्र श्लोके केषां वर्णन प्राप्यते, ये मिस्टेक हो गया है इसको, वो है ठीक है, टाइप में कहीं मिस्टेक हो गया हो किसे, ठीक है ना। तो प्रश्न क्या है कि छंदः पादौ तु वेदस्य, ये जो श्लोक है ये श्लोक केषां वर्णन प्राप्यते, ठीक है, माने इसमें किसका वर्णन प्राप्त होता है, तो आपको बताना है आरण्यकों का कि उपनिषदों का, वेदानाम या वेदांगानाम। ठीक है, आपको बताना है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, बहुत ही सरल प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर, सही उत्तर ये होगा बी नंबर, ठीक है ना, क्या है ए बी, हाँ क्षमताम, ये सी नंबर है, ये भी देखिए मिस्टेक है, ठीक है ना, तो आप लोग इसको यहां से सी मानिएगा, ठीक है ना, ये सी नंबर इसका उत्तर सही है। ठीक है, छंदः पादौ तु वेदस्य, ये जो श्लोक है इसका उत्तर क्या होगा, ये वेदांगों के बारे में वर्णन कर रहा है। ठीक है, माने जो वेद है उस वेद पुरुष का पैर क्या है, तो कहते हैं कि पाद जो है वो क्या है, छंद है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि वेद पुरुष का पाद क्या है, तो आपको बताना है कि वेद पुरुष का पाद माने पैर है, वो छंद है। ठीक है ना, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। फिर पूछ लेगा कि हस्त, हस्त क्या है, हाथ क्या है, तो भैया कल्प है। ठीक है ना, फिर पूछ लेगा कि नेत्र क्या है माने चक्षु क्या है, तो ज्योतिष, वेद पुरुष का जो नेत्र है वो है ज्योतिष। ठीक है ना, इस प्रकार से, और श्रोत्र माने कर्ण क्या है, तो वो बोलते हैं कि निरुक्त। ठीक है ना, निरुक्त इसका श्रोत्र है, ज्योतिष इसका चक्षु है, छंद जो है वो इसका पांव है, और जो हाथ है वो कल्प है, कल्प इसका हाथ है। ठीक है, मुख क्या है, तो मुखम व्याकरणम। ठीक है, मुख को व्याकरण कहा जाता है, इसके अगले चरण की वो लाइन है। ठीक है ना, तो आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते इसको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आते हैं और पिछली बार गत वर्ष में आए थे, और आगे भी संभावना है कि इसमें से एक न एक प्रश्न अवश्य आए, और निश्चित है कि इसमें से एक न एक प्रश्न अवश्य देगा, चाहे यही दे देगा, चाहे पूछ लेगा कि वेद पुरुष का पैर क्या है, अथवा मिलाने के लिए दे देगा। ठीक है ना, तो आप लोग करेंगे क्या, एक तरफ इधर लिखेंगे छंद, एक तरफ इधर लिखेंगे ज्योतिष, एक तरफ इधर लिखेंगे व्याकरण, ठीक है, इधर लिखेंगे कल्प, और उसके बाद में इधर लिखेंगे कि ये छंद क्या है, तो इसका पैर है, ज्योतिष क्या है, तो इसका चक्षु है। ठीक है ना, इसका चक्षु है, व्याकरण क्या है, तो व्याकरण इसका मुख है, कल्प क्या है, तो कल्प इसका हाथ है। ठीक है ना, इस प्रकार से एक चार्ट बना लेंगे, सारणी बना लेंगे, तो जिससे होगा क्या कि बहुत आसानी से याद कर ले जाएंगे, अथवा ये जो श्लोक है श्लोक आपको मिल जाएगा बुक में, तो वहां से श्लोक याद कर लीजिए, सबसे बढ़िया श्लोक याद किए रहेंगे, तो इसकी लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, सब बढ़िया से आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो पांचवा प्रश्न है, पांचवे प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, क्या है कि अधो लिखते शुकेन सह कस्य संबंध। ठीक है, माने किसका संबंध किससे है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो इसमें इसका आंसर कहां दिया है, आंसर नहीं दिया है, चलिए इसका जो आंसर है टाइपिंग मिस्टेक है शायद, वो नहीं दिया गया है, खैर हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बोल रहे हैं कि इसमें से किसका संबंध किससे है, तो आपको बताना है कि इसका संबंध किससे है। ये प्रश्न जो आया है वो आपका महाभारत से संबंधित है। ठीक है ना, महाभारत से संबंधित है। पहला लिखा है द्यूत क्रीड़ा। ठीक है, क्या लिखा है, द्यूत क्रीड़ा, आप सभी जानते हैं। दूसरा है गीता का उपदेश, तीसरा अभिमन्यु वध, चौथा पांडवा नाम हिमालय यात्रा। ठीक है ना, तो आप सभी जानते हैं कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध किस परिस्थिति में हुआ, क्या क्या उसके चरण रहे, ये सभी लोग जानते हैं। उसमें सबसे पहले जब शुरुआत होता है तो शकुनि कपट करता है, उसके बाद पांडव हार जाते हैं, उनको वनवास भेज दिया जाता है। ठीक है ना, 14 की कितने एक साल अज्ञातवास भी रहता है उनका, इस प्रकार से 14-15 साल ऐसे कुछ रहता है। ठीक है ना, तो उसी सब में द्यूत क्रीड़ा सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले जो होता है वो द्यूत क्रीड़ा होता है, माने शकुनि जो होता है वो शकुनि क्या करते हैं, द्यूत के लिए पांडवों को आमंत्रित करते हैं, माने खेलने के लिए, जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। ठीक है ना, जब हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ जब दो जगह से हो बट जाते हैं, दो राज्य बन जाते हैं,
तो इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर हो जाते हैं और हस्तिनापुर के तो महाराज धृतराष्ट्र रहते ही। तो शकुनी दुर्योधन चाहता है कि बड़ा बढ़िया इंद्रप्रस्थ बना है तो मैं वहां का राजा हो जाऊं। ये सब मामा और भांजे मिलकर मंत्रणा करते हैं और इस प्रकार की षड्यंत्र रचते हैं। तो उसी में द्यूत खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं, तो वो द्यूत क्रीड़ा, ठीक है ना। तो द्यूत इसका संबंध किससे होगा, तो हम देखते हैं कि द्यूत क्रीड़ा जो है भीष्म पर्व से होगा कि महाप्रस्थानिक पर्व से होगा कि सभा पर्व से होगा कि द्रोण पर्व से होगा, ठीक है ना। तो महाभारत के जो 18 पर्व है, ठीक है ना, महाभारत के जो 18 पर्व है, आपको महाभारत के 18 पर्वों को भी जानना चाहिए, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं, मैंने वीडियो में जो हमारा पीड क्लास चलता है उसमें मैंने बहुत बढ़िया से महाभारत के बारे में पढ़ाया है, आप लोग उसको जाकर के देख सकते हैं वहां से लेक्चर, ठीक है, कोर्स को खरीद करके। और यहां मैं भी बताऊंगा, आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि द्यूत क्रीड़ा जो है, माने जब ये जुआ खेला जा रहा था तो जुआ कहाँ खेला जा रहा था, भीष्म पर्व में जुआ खेला जा रहा था अथवा महाप्रस्थानिक में कि सभा पर्व में कि द्रोण पर्व में, ठीक है। द्रोण पर्व से तात्पर्य कि जब आचार्य द्रोण जब सेनापति हुए थे वो रहा द्रोण पर्व, तो ऐसा है नहीं द्रोण पर्व में। भैया जब जुआ खेलेंगे तो युद्ध के मैदान में तो बैठ के जुआ खेलेंगे नहीं, किसी कमरा में किसी जगह बैठ कर घर में खेलेंगे, ठीक है। तो ये जो द्यूत क्रीड़ा है इसका उत्तर क्या होगा, सभा पर्व होगा, ठीक है ना। फिर गीता उपदेश, सभी लोग जानते हैं कि जो गीता है, जब युद्ध काल चल रहा था, युद्ध के मध्य भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिया था, ठीक है ना। तो उस समय सेनापतित्व के नेतृत्व कौन कर रहा था, कौरव की ओर से पितामह भीष्म कर रहे थे, ठीक है ना। तो गीता का उपदेश भीष्म पर्व से है, ये आंसर सही हुआ, ठीक है ना। द्यूत क्रीड़ा, सभा पर्व, गीता उपदेश, भीष्म पर्व, ये हो गया। अभिमन्यु का वध, अभिमन्यु का वध कब होता है, तो जब आचार्य द्रोणाचार्य, ठीक है, आचार्य द्रोण जब सेनापति थे तो वहां पर अभिमन्यु का वध होता है। और पांडवा नाम हिमालय यात्रा, ये जो है ये महाप्रस्थानिक पर्व में आता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। तो ये एग्जाम में आ सकता है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, एग्जाम में पूछे ऐसे भी मिलाने के लिए भी आ सकता है, या क्रम से दे देगा कि इसको आप क्रम से लिखिए, ठीक है ना। इस प्रकार से तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो महाभारत के जो 18 पर्व, उन 18 पर्वों के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है आदि पर्व, क्या है, आदि पर्व, ठीक है ना। ये जो 18 पर्व है, 18 पर्वों में सबसे पहले आदि पर्व, ठीक है, सबसे पहले आदि पर्व आता है। फिर सभा पर्व, वन पर्व और विराट पर्व, ठीक है। आदि पर्व, आदि, सभा, वन, विराट, ठीक है ना, ये सब पर्व है। यह जो 18 पर्व महाभारत के, उन 18 पर्वों का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है ना। ठीक है, तो 18 पर्व हम लोग देख रहे हैं, आदि पर्व हो गया, सभा पर्व हो गया, वन पर्व हो गया, विराट पर्व हो गया, इसके बाद उद्योग पर्व होता है, ठीक है। उद्योग, विराट पर्व के बाद उद्योग होता है, माने अर्जुन जाते हैं सब अपना दिव्यास्त्र इत्यादि इकट्ठा करने, ठीक है, तो उसको उद्योग पर्व कह दिए, ठीक है ना। ये रहा आपका उद्योग पर्व। फिर आता है आपका भीष्म पर्व, ठीक है ना, ये आपका भीष्म पर्व। फिर इसके बाद आचार्य क्षम्यताम, जो पितामह भीष्म सरसैया पर, माने की सैया पर हो जाते हैं, तो फिर सेनापति कौन होता है, द्रोण होते हैं, ठीक है ना। तो आचार्य द्रोण, ठीक है, द्रोण पर्व आया सबसे पहले, आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, और पांचवा है उद्योग, छठा है भीष्म, सातवां है द्रोण, इसके बाद आठवां आता है आपका कर्ण पर्व, ठीक है, द्रोण के बाद कर्ण, इसके बाद आपका शल्य आता है, ठीक है ना, शल्य आता है। शल्य पर्व के बाद क्या आता है, आदि पर्व, सभा, वन, विराट, सातवां, आठ, सात आठ नौ, इधर दसवां आप देखिए, दसवां में क्या है, सौप्तिक पर्व आता है। शल्य के बाद क्या है, सौप्तिक पर्व है, ठीक है, शल्य के बाद सौप्तिक माने सोते हुए, ये सौप्तिक पर्व होता है, ठीक है ना। शल्य पर्व है, शल्य पर्व के बाद जब ये भी मामा होते हैं पांडवों के, तो ये कर्ण के, कर्ण बोल रहे हैं, दुर्योधन की तरफ से युद्ध करते हैं, ठीक है ना। तो शल्य पर्व के बाद आता है सौप्तिक पर्व, सौप्तिक पर्व के बाद आता है आपका स्त्री पर्व, ठीक है ना। शल्य पर्व के बाद आपका आता है स्त्री पर्व, ठीक है ना। उसके बाद फिर शांति, अनुशासन और अश्वमेध, इसके बाद शांति अनुशासन
अनुशासन और फिर आश्वमेधिक, ठीक है ना, आश्वमेधिक ठीक है। तो सौप्तिक हो गया, स्त्री हो गया, शांति पर्व हो गया, और फिर अनुशासन पर्व हो गया, अनुशासन के बाद आश्वमेधिक हो गया, फिर आश्रमवासिक और फिर मौसल, आश्रमवासिक और फिर मौसल पर्व, ठीक है ना, आश्रमवासिक, आश्रमवासिक और फिर मौसल पर्व, मौसल पर्व, फिर महाप्रस्थानिक, महाप्रस्थानिक, फिर इसके बाद स्वर्गारोहण, ठीक है ना, स्वर्गारोहण, ये आपका हो गया। तो यहां तक हुआ 10, 11, ये आपका 12, ये आपका 13, ये आपका 14, ये आपका 15, ये आपका 16, ये 17 और ये 18, ठीक है। इस प्रकार से ये जो 18 पर्व हैं, ठीक है ना, कौन, ये जो 18 पर्व हैं, ठीक है, ये आदि पर्व, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, उसके बाद सौप्तिक पर्व आपका आया, फिर स्त्री पर्व है, शांति पर्व है, अनुशासन पर्व है, आश्वमेधिक है, सीताराम आश्वमेधिक है, फिर आश्रमवासिक है, उसके बाद मौसल पर्व है, महाप्रस्थानिक है और स्वर्गारोहण है। ये जो मौसल पर्व है, इसमें जो गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया था कि यदुवंश का नाश हो जाए, तो मौसल पर्व में यदुवंश का नाश हो जाता है, ठीक है। इसके बाद महाप्रस्थानिक है और फिर स्वर्गारोहण है। आपको एक बात और बतानी है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो शांति पर्व है और महाप्रस्थानिक पर्व है, ठीक है, क्या, शांति पर्व और महाप्रस्थानिक पर्व, तो जो इसका शांति पर्व वो सबसे बड़ा पर्व है, ठीक है, और महाप्रस्थानिक पर्व जो है वो छोटा पर्व है। तो ये जो शांति पर्व है, ये आपका ये शांति पर्व, ये महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है, और जो महाप्रस्थानिक पर्व है, ठीक है ना, ये जो महाप्रस्थानिक पर्व है ये सबसे छोटा है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जाम में अगर पूछ ले कि महाभारत का कौन सा पर्व है जो सबसे बड़ा है, ठीक है ना, एग्जाम में अगर पूछ ले आपसे कि महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, तो भैया शांति पर्व है। महाभारत में सबसे छोटा पर्व कौन सा है, तो भैया महाप्रस्थानिक पर्व है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको हमने आपको 18 पर्व के बारे में हमें बता दिया। ये जो द्यूत क्रीड़ा है ये सब है, आप देख लीजिए, ठीक है ना। इस प्रकार से ये कौन सा प्रश्न था, ये 5 प्रश्न था हम लोग का, ठीक है ना, 5 प्रश्न के बारे में हमने विधिवत चर्चा कर ली है। अब हम लोग आगे चलते हैं, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 प्रश्न पे अपने। 6 प्रश्न हमारा क्या है, 6 प्रश्न है कि पूर्ववर्ती आचार्य से प्राथम्येन कालक्रमानुसार उचितम उत्तरम निर्देशत, माने निर्देश कीजिए, उचित उत्तर का निर्देश कीजिए, किस प्रकार से, तो कालक्रम के, माने बढ़ते क्रम से, ठीक है ना, बढ़ते क्रम के हिसाब से देना है। हम देखते हैं सबसे पहले क्षेमेंद्र है, अभिनवगुप्त पादाचार्य है, आचार्य भरत है और रुय्यक है, ठीक है ना। तो इन चारों में सबसे पहले कौन है, फिर उनके बाद कौन आता, उनके बाद कौन आता, उनके बाद कौन आता है, इस प्रकार से कालक्रम के हिसाब से इसमें बढ़ना है। जल्दी से इसका आप लोग उत्तर दीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न और भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, निश्चित है, निश्चिंत रहिए, एकदम आश्वस्त रहिए कि ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे। माने यही प्रश्न नहीं आएगा, इससे संबंधित, इससे मिला जुला प्रश्न एग्जाम में अवश्य ही आएगा, 1000% निश्चित है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ भरत लिखा है, वहां लिखा हो भारवी लिखा हो, माघ लिखा हो, कालिदास लिखा हो, या आपका अशुघोष लिखा हो, इस प्रकार के भी कवि इस प्रकार से दे सकता है कि कालक्रम के अनुसार उनका उत्तर चुनिए, ठीक है, तो निश्चित है कि आएगा ही आएगा। चलिए इसका उत्तर हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आचार्य भरत आते हैं, उसके बाद भास आते हैं, ठीक है, तो आचार्य भरत इसमें दिख रहे हैं, सबसे पहले भरत दिखे, ठीक है, तो इसका 1 लगा दीजिए, ठीक है ना, क्या हुआ, 1, सबसे पहले जो आचार्य हैं वो आचार्य हैं भरत, ठीक है ना, तो 1 लगा दीजिए। अब देखिए कि इसमें से कोई सी है कहीं उत्तर, तो ये इसमें सी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, काट दीजिए, बस केवल एक आंसर पकड़िए और तुरंत खट से इसी पे मारिए कि यह उत्तर सी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आए आचार्य भरत हैं, दूसरे नंबर पे अभिनवगुप्त पादाचार्य होते हैं,
तीसरे नंबर पे आचार्य क्षेमेंद्र आते हैं, ठीक है, और चौथे नंबर पे आचार्य ये जो रुयक है महाराज, रुयक महाराज आते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हुआ, इसका आंसर सही हुआ बी नंबर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो सवाल है वो है कि अधो अंकिता नाम केन सह कस्य संबंध, ठीक है, किसका किसके साथ संबंध है, इस प्रकार का प्रश्न है। ये प्रश्न आपका दर्शन से आया है, इसको आप देखिए, ठीक है। तो प्रत्यक्षम एवं प्रमाणम, ठीक है, एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, ऐसा कौन सा दर्शन है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो चार्वाक है, चार्वाक जो है वो चार्वाक एकमात्र केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, किसको, प्रत्यक्ष को ही, ठीक है। तो प्रत्यक्षम एवं प्रमाणम, यहाँ कहीं चार्वाक है तो उस पर मिला दीजिए, ठीक है, चार्वाक पर ही मिला दीजिए। आगे सप्तभंगी नहीं दिख रहा होगा आपको, तो सप्तभंगी नहीं किसका है, तो जैनियों का है, ठीक है, जैन दर्शन से इसका संबंध है। फिर आप देखिए कि सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद किसका है, तो सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद है। यदि आपको इसमें से एक भी आंसर आपको नहीं आ रहा है, ठीक है ना, एक भी यदि इसमें से आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो यह सत्कार्यवाद तो जानते ही होंगे ना, सांख्य दर्शन का है, बस इसी पे लगाइए कि सांख्य का है। और फिर देखिए कि जो चौथा है उसका दो आंसर किसमें दिया गया है, ठीक है ना, मैंने जो डी नंबर है, डी नंबर का सबसे लास्ट में चौथा इसमें दिया गया है, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या क्या है। तो प्रत्यक्षम एवं प्रमाणम में किसका है, ये भैया चार्वाक का है, ठीक है। सप्तभंगी में किसका है, जैनियों का है। हेत्वाभास किसका है, नैयायिकों का है, ठीक है ना। तो ए का तीसरा हुआ, सबसे पहले तीसरा हुआ, और ए का तीसरा हुआ, फिर बी का पहला हुआ, बी का पहला माने तीन एक, सी का क्या हुआ, सी का आपका चौथा हुआ, ठीक है ना, सी का चौथा हुआ, और डी का क्या हुआ, डी का आपका दूसरा हुआ, ठीक है। इस प्रकार से सबसे लास्ट में दो किस्में वो देखना है, सबसे पहले तीन इसमें है, फिर एक है, फिर चार है, फिर दो है, तो ये उत्तर कौन सा सही हुआ आपका, ये उत्तर सही हो गया, ठीक है ना। बस आपको थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना है, बाकी बहुत वो नहीं है, ठीक है ना। हाँ, इसमें ये आपको देखना है कि जो सत्कार्यवाद, सांख्य दर्शन का जो सत्कार्यवाद है, इसमें से और भी प्रश्न सांख्य दर्शन संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा ये जो न्याय दर्शन है, ठीक है, न्याय दर्शन का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा है, तो न्याय दर्शन का जो प्रमुख ग्रंथ है, न्याय दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है, न्याय दर्शन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, न्याय दर्शन का प्रमुख ग्रंथ, ठीक है ना, न्याय दर्शन का प्रमुख ग्रंथ क्या है, आपसे बताइए कि न्याय दर्शन का प्रमुख ग्रंथ क्या है, न्याय सूत्र, ठीक है ना, इसका न्याय सूत्र, ठीक है, न्याय सूत्र। न्याय दर्शन का जो पहला, क्षमता पहला कह रहे हैं, प्रमुख जो ग्रंथ है वो है न्याय सूत्र है, और न्याय दर्शन में 16 तत्व बताए गए, मैंने 16, ठीक है ना, न्याय दर्शन में जो 16 पदार्थ हैं, उन 16 पदार्थों से मोक्ष की प्राप्ति बताई गई है। और तत्चतुर्विधम, ये चार प्रकार के प्रमाण मानते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण, ठीक है। ये नैयायिक जो है, ये चार प्रमाण के, ये नैयायिक जो है, ये चार प्रमाण मानते हैं, ठीक है ना, ये चार प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण, ये चार प्रकार के प्रमाण मानते हैं। उसके बाद में जो इनका हेत्वाभास है, ठीक है, वो पांच हेत्वाभास, वो पांच हेत्वाभास क्या है, तो कहते हैं कि सव्यभिचार विरुद्ध प्रकरण, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है ना, जो पंच हेत्वाभास, वो पंच हेत्वाभास क्या है, सव्यभिचार है, ये पहला हेत्वाभास है कि सव्यभिचार सव्यभिचार, दूसरा है विरुद्ध, दूसरा विरुद्ध है, तीसरा क्या है, तो तीसरा के बारे में बता रहे हैं कि प्रकरण सम, तीसरा जो है वो प्रकरण सम है, तीसरा प्रकरण सम, ठीक है ना, ये तीसरा हो गया। इधर चौथा क्या है, चौथा है असिद्ध और बाधित, ठीक है ना, चौथा क्या है, असिद्ध, असिद्ध हो गया, और पांचवा क्या है, वो बाधित है, ठीक है ना, ये आप लोग इसको जान लीजिए, ठीक है। ये पांच हेत्वाभास जो है, वो पांच हेत्वाभास यही है, क्या है, सभ्य विचार विरुद्ध, असिद्ध, अच्छा, प्रकरण सम, असिद्ध और बाधित, ठीक है, ये पांच हेत्वाभास,
हेत्वाभास नैयायिकों ने माना है, ठीक है, इन्होंने 16 पदार्थों से मोक्ष माना है, और ये 4 प्रमाण मानते हैं, शब्द शब्द प्रमाण अनुमान उपमान और अनुमान शब्द प्रमाण उपमान, ये सब 4 प्रकार के प्रमाण मानते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला जो प्रश्न है वो अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। 8वां प्रश्न है कि तर्क संग्रह अनुसार कति गुणा संति, माने तर्क संग्रह के अनुसार कितने गुण हैं, आपको बताना है कि भैया तर्क संग्रह में कितने गुण माने गए हैं, ठीक है। तो मैंने पढ़ाया है, नहीं भी पढ़ाया होगा आप लोग कहीं से भी पढ़े होंगे, तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इस तर्क संग्रह से भी एक न एक प्रश्न आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। सिलेबस ने केवल दर्शन दिया है, लेकिन ये नहीं है कि दर्शन से संबंधित कौन कौन से ग्रंथ है, ये सब नहीं दिया, आपको पढ़ना है, पढ़े रहिए, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़े रहेंगे तो आपके लिए आगे फायदा देगा। तर्क संग्रह में कितने गुण है, तो चतुर्विंशति गुणाः, क्वेश्चन आता लिखा है कि चतुर्विंशति गुणाः माने 24 गुण है, और ये सप्त, ये जो सप्त लिखा माने 17 कुछ लिखा है, ये 17 नहीं होगा, इसमें लिखा है अष्ट चत्वारिंशत, ये भी नहीं होगा, 10 लिखा है ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये सब नहीं होगा, इसका सही उत्तर क्या है, तो चतुर्विंशति गुणाः, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है, चतुर्विंशति गुणाः। सप्त पदार्थाः तर्क संग्रह न्याय और वैशेषिक, न्याय दर्शन का सांख्य योग न्याय वैशेषिक, ठीक है। तो न्याय वैशेषिक का एक प्रकरण ग्रंथ है जिसका नाम है तर्क संग्रह, ठीक है, न्याय वैशेषिक का प्रकरण ग्रंथ तर्क संग्रह, जिसमें 7 पदार्थ माने गए हैं, 9 द्रव्य माने गए हैं और 24 गुण माने गए हैं, ठीक है, 24 गुण माने गए हैं। एग्जाम में पूछ ले कि कितने पदार्थ हैं, तो सप्त पदार्थ है, कितने द्रव्य है, तो 9 द्रव्याणि, कितने गुण है, चतुर्विंशति गुणाः, कितने कर्म है, तो पंचकर्माणि, कुछ पर आकुंचन प्रश्न गमनानि, इस प्रकार के पंचकर्माणि है, ठीक है ना। इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कति विधा बुद्धि सर्ग, ये प्रश्न आपका सांख्य कारिका से आया है, आपको बताना है कि कितने प्रकार के बुद्धि सर्ग हैं, ठीक है ना भैया, इसको आप लोग जल्दी से बताइए कि कितने प्रकार के बुद्धि सर्ग हैं, ठीक है। तो भैया बताइए सही उत्तर इसका क्या होगा, ये होगा ना सप्तविध, ठीक है, सही उत्तर ये होगा, सही उत्तर है, क्यों गलत उत्तर है, लुल हो जाओगे इसे लगा दोगे तो, इसलिए पढ़ते रहो, ये उत्तर नहीं होगा, इसका सही उत्तर ये होगा चतुर्विधा, ठीक है ना, उत्तर इसका ये होगा, कतिविधा बुद्धि सर्ग चतुर्विधा बुद्धि सर्ग, ठीक है, सही उत्तर इसका ये है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न पे, 10वां प्रश्न है कि प्रमायाः करणम किम, ये भी आपका तर्क संग्रह से आया है क्वेश्चन कि प्रमायाः करणम किम, तो प्रमायाः करणम प्रमाणम, ठीक है, इधर लिखा है प्रमायाः करणम किम, तो प्रमायाः करणम प्रमाणम, ठीक है, इंद्रियार सन्निकर्षः संयोगः, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब चूंकि हम लोग का यहां तक 10 प्रश्न हो गया है, अब 10 प्रश्न के आगे हम लोग बढ़ते हैं, 10 प्रश्न के आगे हम लोग अपना प्रमायाः करणम प्रमाणम इस प्रकार से हमने देखा, और बस समय देखने के लिए बोले ना, 2 मिनट अच्छा होगा, कितना समय हो गया, 28 मिनट हो रहा है सर, ठीक है, तो आगे ठीक है सर आने वाले हैं, कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट और हम लोग ले लेते हैं क्लास। चलिए 10वां प्रश्न हम लोग देखिए, प्रमायाः करणम किम, तो प्रमाणम, ठीक है, प्रमाणम इसका हो गया प्रमाणम, ठीक है, आंसर इसका प्रमाणम। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पे, देखिए पुनः आ गया तर्क संग्रह का क्वेश्चन आ गया कि तर्क संग्रह अनुसार कति द्रव्याणि, अभी मैंने ठीक 1 क्वेश्चन पहले मैंने ये बताया कि तर्क संग्रह के अनुसार 7 पदार्थ, ठीक है ना, और 9 द्रव्य है, 24 गुण है, ये सब मैंने बताया, पंच कर्म है, ठीक है, पंचकर्माणि, तो इसमें पूछ क्या रहा है, कति द्रव्याणि माने कितने द्रव्य पूछ रहा है, ठीक है, तो इसमें कहीं लिखा है पंच चत्वारि 9 सप्त, तो जो 9 है वही इसका सही उत्तर है, ठीक है ना, 9 द्रव्याणि। तर्क संग्रह के अनुसार कितने द्रव्य है पूछे, तो उत्तर इसका होगा कि 9 द्रव्याणि, ठीक है ना सर। वो 1-2 बच्चों से पूछ रहा था, वो क्वेश्चन तो हमने दे दिया है पहले में ही, क्वेश्चन दे दिया, उसको आप सभी लोग उत्तर दीजिए, ठीक है ना। और फिर हम लोग चल रहे हैं, चूंकि समय का अभाव है, गुरुजी लाइन में खड़े हैं, दूसरे जो सर क्लास लेना चाहते हैं लेने वाले हैं वो आ चुके हैं, तो हम लोग फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम नमो नमः।